कार एक्सीडेंट में ऋषभ पंत हुए थे बुरी तरह जख्मी। अब सलमान ने पंत को देख उठाया बड़ा कदम। पंत के लिए जो कहा पूरा देश कर रहा है गर्व। ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद पूरे क्रिकेट जगत शॉक में आ चुका है। आप सभी को पता है ऋषभ पंत दिल्ली से अपने परिवार से मिलने रोड़के की तरफ जा रही थी कि अचानक रास्ते में ही उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी में भयंकर आग लग गई और ऋषभ पंत पूरी तरह से घायल हो गए। ऋषभ पंत ने कांच को तोड़कर खिड़की से बाहर तो खुद को निकाल लिया, लेकिन वह गाड़ी के पास ही तड़प रहे थे। ऐसे में एक रोडवेज बस के कंडक्टर ने ऋषभ पंत को जल्दी ही कार से अलग किया और उसके बाद उन्हें चादर दी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। ऋषभ पंत की जान तो इस रोडवेज कंडक्टर ने बचा ली, लेकिन ऋषभ पंत का ट्रीटमेंट मैक्स अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें बीसीसीआई पूरी तरह से उस अस्पताल के टच में है और ऋषभ पंत को उचित सुविधाएं देने की बातचीत भी चल रही है। लेकिन दोस्तों इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर ऋषभ पंत के हादसे पर शोक जाहिर किया और उनके जल्दी रिकवर होने की कामना करी। ऋषभ पंत को घायल अवस्था में देख बॉलीवुड के सितारे अनिल कपूर और अनुपम खेर भी ऋषभ पंत से मिलने उत्तराखंड मैक्स हॉस्पिटल पहुंच गए। आपको बता दें दोनों ने ऋषभ पंत की परिस्थिति का जायजा लिया और यह पाया कि ऋषभ पंत फिलहाल खतरे से बाहर हैं। उन्होंने ऋषभ पंत से खूब हंसी मजाक भी किया और उन्हें खुश किया, साथ ही उनके परिवार को भी हौसला दिलाया कि हम सभी ऋषभ पंत के साथ हैं। यहां तक कि पूरा देश ऋषभ पंत के साथ खड़ा हुआ है। वह भारतीय देश के गौरव है और वह जल्दी ही रिकवरी करके भारतीय टीम में फिर एक बार खेलते हुए नजर आएंगे। इस बीच बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने भी ऋषभ पंत के साथ हुए हादसे पर काफी ज्यादा आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत जल्द ही इस हादसे से उभर जाएंगे और उनका जिस तरह ट्रीटमेंट चल रहा है मुझे उम्मीद है वे जल्दी भारतीय टीम में वापसी करेंगे। सलमान ने अपने बयान में यह भी कहा कि ऋषभ पंत भारत देश की शान है, टीम इंडिया में उनकी मौजूदगी कितनी जरूरी है इस बात का अंदाजा हम सभी को है और हमारा फर्ज बनता है मुश्किल परिस्थिति में देख उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने का मौका मिलते ही मैं ऋषभ पंत से मिलने खुद जाऊंगा। सलमान ने कहा भारत जैसे देश में रहकर हम सभी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस बात को सुनने के बाद सलमान की तारीफों में कसीदे कई लोग पढ़ रहे हैं। लोगों का मानना है सलमान जैसा मसीहा किसी किसी को ही मिलता है। वैसे आप सभी को सलमान खान की इस महानता के लिए क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट ग्लोबल क्रिकेट।